दोस्तों हम सभी ने जानते होंगे कि भगवान शंकर को तीसरा भी आंख होता है, लेकिन दोस्तों ये आंख भगवान शंकर को कैसे प्राप्त हुआ, आखिर इसका रहस्य क्या है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों हिंदू धर्म में महादेव को देवों के देव कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों में भगवान शिव की अनेक कथाएं प्रचलित है। यूं तो भगवान शिव शंकर दयालु और करुणा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अनेक बार शिव को रुद्रा रूप में भी देखा गया है, इसलिए शिव का एक नाम रुद्रा भी है। सभी जानते हैं कि भगवान शिव की तीन आंखें होती है, और जब महादेव अत्यंत क्रोध में होते हैं तब ये तीसरा आंख खुलती है। भगवान शिव की तीसरी आंख क्रोध या रुद्र रूप का प्रतीक है, लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव को तीसरी आंख कैसे प्राप्त हुई थी। चलिए दोस्तों आज इसके बारे में एक रहस्य जानते हैं। दोस्तों हमारे दिमाग में कभी ना कभी यह प्रश्न जरूर आता है कि कब खुलती है भगवान शिव की तीसरा आंख। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जब विनाश का समय आता है या सृष्टि पर असुरों का अत्याचार बढ़ता है तो भगवान शिव की अपनी तीसरी आंख खोलते हैं। मान्यता है कि सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने सबसे पहले अपनी तीसरी आंख खोली थी। पुरानी कथाओं में भगवान के त्रिनेत्र के रहस्यों के बारे में बताया गया है। दोस्तों कैसे मिली शिव को तीसरा आंख, अब वो जानते हैं। दोस्तों एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने हिमालय पर्वत पर एक सभा का आयोजन किया था। सभा में सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और ज्ञानी लोगों को बुलाया गया। इसी दौरान माता पार्वती वहां पहुंची और भगवान शिव जी की आंखें पर अपने दोनों हाथ रख दिए, जिससे सृष्टि में अंधेरा छा गया, सूर्य का प्रभाव समाप्त हो गया और धरती पर हाहाकार मच गया। दोस्तों भगवान शिव से यह दृश्य देखा नहीं गया और उन्होंने अपने माथे पर ज्योतिष पुंज प्रकट किया, जिससे सृष्टि में वापस रोशनी लौट आई। इस ज्योतिष पुंज को ही शिव जी की तीसरी आंख कहा जाता है। जब पार्वती ने शिव जी से तीसरी आंख का रहस्य पूछा तब शिव जी ने बताया कि उनकी आंखें जगत की पालनहार है, अगर वो ज्योतिष पुंज प्रकट नहीं करते तो सृष्टि का विनाश हो जाता। इस प्रकार से शिव जी को तीसरी आंख प्राप्त हुई। शिव जी अपनी तीसरी आंख बंद करते हैं और तभी खोलते हैं जब विनाश का समय होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप जान गए होंगे कि शिव जी का तीसरा आंख कैसे प्राप्त हुआ था।